और अब बिहार पॉलिटिक्स की बात करते हैं। बिहार में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में कोल्ड वॉर शुरू हो गई है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि वो नाराज नहीं है, लेकिन तेजस्वी उनको महागठबंधन में आने का न्योता देते हैं और अब हर किसी को अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात का ही इंतजार है। सोमवार को उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने वाले हैं। बिहार में एनडीए में घमासान। हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः 2019 में उनको प्रधानमंत्री बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। किसके साथ जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा? डीए के वार्ता टेबल पर जब हम बैठेंगे तो वहां सीटों की संख्या के बारे में डिस्कशन करेंगे। एनडीए में सेंध लगाने की कोशिश में आरजेडी। हमने तो पहले भी उपेंद्र कुशवाहा जी को सार्वजनिक मंच न्योता देने का काम किया, फैसला जो है उनको करना है। बीजेपी से सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरों के बीच बिहार में राजनीतिक गलियारों की हलचल तेज हो गई। बिहार में बीजेपी जेडीयू में बराबर के सीट बंटवारे के ऐलान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। देखिए, जो बात हुई है सबके सामने हुई है, उसमें कोई छुपा थोड़ी, कहीं ना कहीं से उनको नकारने का काम किया गया है और सम्मान और प्रतिष्ठा जहां देने की बात की तो उसमें कोताही जो है बढ़ती गई है। वैसे इस मुलाकात को संयोग का नाम दिया जा रहा है, लेकिन विरोधियों को राजनीति करने का मौका मिल गया है। मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो उपेंद्र का बयान आया था कि संयोग था कि हम भी यहाँ पहले से मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि भविष्य में क्या होगा ये कहना कठिन। कुशवाहा के जरिए आरजेडी एनडीए में सेंध लगाना चाहती है तो कांग्रेस ने बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी को डूबती नाव बताया है। डूबती नाव पर कोई अकलमंद सवार नहीं होता। सवाल का जवाब देना चाह रहे थे नीतीश जी, अमित शाह जी इनका अच्छा मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि नीतीश जी को ठीक से बोलने भी नहीं दिया। जेडीयू का दावा है कि बीजेपी के साथ महागठबंधन के सपने को चकनाचूर कर दिया जाएगा। एलजेपी के नेताओं ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि वो इसका हिस्सा होंगे, तो जेडीयू एलजेपी प्लस भाजपा महागठबंधन को पराजित करने के लिए पर्याप्त गठबंधन है। बिहार में राजनीति किस करवट लेगी, इसका फैसला उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मुलाकात के बाद ही मालूम पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से अमित शाह जी से हमारी बात हुई है और आगे बात होगी, बातचीत चल रही है। जाहिर है चिराग पासवान से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक हर कोई नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।